चलिए वेलकम बैक स्वागत है उसका। फिर शुरू में सुबह बज रहा है, सुबह के 7 गैस में उठा था करीब 6:30 बजे के आसपास, और मतलब बोलते हैं फ्रेशन हो चुका हूँ। और तो गैस मौसम आज एक नंबर है, जैसे आपने पिछले वक्त देखा गया बारिश हुई थी, तो आज एकदम बोलते हैं अच्छी मौसम है, आज नेक्स्ट लेवल गर्मी नहीं है गैस। तो बस प्लान ये किया मतलब सब फ्रेंड मिलकर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, आज सैटरडे हम लोग जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज। तो बस गए जाते हैं अभी और आपको मिलते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज जाके। Moments later. So guys, मैं स्टॉक से आ गया था और कैसे बज रहा दोपहर के 12:45। मैं जस्ट अभी नाके थोड़ी देर पहले रेडी हुआ और कैसे प्लान ये है कि मैं जा रहा हूँ अपनी सुजुकी वीस्टॉर्म की सर्विस कराने, फर्स्ट सर्विस गाइस, जो मतलब इसकी 4 सर्विस तो गाइस फ्री है और फर्स्ट सर्विस अभी इसकी है गाइस 1 मंथ पे और पहले 1000 किलोमीटर, जो पहले हो तब सर्विस करा सकते, क्या 1000 किलोमीटर तो अभी तक हुए नहीं है और 1 मंथ भी हुआ नहीं, लेकिन मैंने बोला कि बस सर्विस करा है, देखिए अभी 2-3 दिन में निकलना है तो एंड टाइम पे सर्विस कराने में बोलता है ना वो टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, सोचा कि आज फ्री हूँ तो आज जाके इसकी सर्विसिंग करा के आ जाता हूँ और बस सर्विसिंग में कराते हैं और फिर आज शाम को गए मुझे वापस किटी में लेके बाहर जाना है, किटी में कुछ काम कराना है, तो बस आज तो गए बोलते ना पूरा दिन बाइक पे निकलेगा, तो बस बराबर जाते हैं और इसकी सर्विसिंग करा के आते हैं गाइस। गाइस तो हम लोग निकल चुके हैं सर्विस सेंटर के लिए, लेफ्ट यहाँ गाइस जाने तो देते हैं बाइक के लिए। गाइस तो इसमें मेरे को एक दो चीज़ मतलब दिखाने तो देते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं गाइस अभी तक बाइक में, थोड़ा टाइम चेंज करवाना है गाइस जो इसमें है और मेन ये जैसे इसमें गाइस अभी 11:50 है और टाइम हो रहा है 12:07 गाइस, 20 मिनट का फ़र्क है गाइस, बहुत ही पीछे है, 4-5 मिनट हो तो गाइस चलता है, 20 मिनट तो बोलते हैं ना बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस। और मुझे एक ये भी दिखाना है गाइस, यहाँ पे जो गियर इंडिकेटर है गाइस कौन से गियर पे बाइक चल रही है, ये कभी कभी दिखाता नहीं है गाइस, मतलब ब्लैंक हो जाता है, गियर ही नहीं दिखाता कौन सा गियर है, ये भी एक बार पूछ लेंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है। और तो बाकी सब बाइक में, बाकी सब गाइस ठीक है बाइक में। अरे यार एक तो गाइस ये ट्रैफिक सच्ची में गाइस, जब मौसम ख़राब होता है ना गाइस जब ट्रैफिक इतना होता नहीं, आज मौसम अच्छा है तो गाइस ट्रैफिक इतना है, ऊपर से गाइस मोटर ब्लॉक करता हूँ तो जो वाइज़र है ये भी बंद रखता हूँ तो एकदम इतनी गर्मी लगती है गाइस अंदर। मौसम गाइस वैसे आज ठीक है, 3-4 दिन से बहुत अच्छा मौसम है गाइस, कल रात से बारिश हुई इससे मौसम में थोड़ा बदलाव आया है गाइस। ओ हो गाइस देखिए अंकल कहाँ से, अंकल तो बस गए अभी पहुँचते हैं सर्विस स्टेशन, ये जो गए सर्विस स्टेशन है सुजुकी का वो KTM से गए बहुत पास में है, अगर अपन अच्छे रूट से भी जाएगा तो भी पास में, वरना वो KTM वाले अगर अपन अच्छे रूट ले गए अच्छा रूट माफ फ्लाइवर वाला तो गए वो पड़ता है अपन को करीब 25 किलोमीटर के आसपास। और ये गाइज है अभी यावड़ा ब्रिज से गए 6 किलोमीटर ही है तो नज़दीक ही है गाइस, फटाफट पहुँचते हैं और आपको मिलते हैं गाइस सर्विस स्टेशन पहुँच के। गाइस कौन से गली में है इसका सर्विस स्टेशन, आ गया गाइस सिमरा सर्विस स्टेशन। हाँ गाइस तो सर्विस स्टेशन तो हम लोग पहुँच गए, लेकिन ये लोग बोल रहे कि आज तो ये लोग का मतलब पूरा फुल है गाइस और बाइक दे देते गाइस, शाम हो जाएगी करीब 5:30-6 बज जाएंगे तो तब तक तो गाइस तब तक वेट करना गाइस बोलते हैं ना वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब कि अपने बाइक की क्या आज फर्स्ट सर्विस ही है, जनरल चेकअप ही हो गए, ज़्यादा कुछ होगा नहीं और बाइक अपनी ठीक ही चल रही है, तो अभी मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट करना नहीं, जाते घर गए सर्विस अपन आगे रास्ते में कहीं करवा लेंगे। और तो बस अभी जाते हैं फटाफट घर, मुझे KTM लेके बाहर जाना है, क्या काम कराना है वो लेके अभी जाता हूँ घर और आपको मिलता हूँ घर पहुँच। गाइज मैं घर आ गया था और फिर कुछ पार्सल थे जो कूरियर करने थे गाइज, वो कूरियर करके मैं आ चुका हूँ और गाइज लंच वन सब डन है, अभी बज रहा है दोपहर के 2:45 और गाइज KTM में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि एक साइड पे तो पूरा एसरविडेज लिखा हुआ है, दूसरे साइड पे लिखा हुआ नहीं है गाइज, मैं इस ट्रिप पे जा रहा है तो अभी ये भी लिखवा ही लेता, मैंने सोचा पूरा एसरविडेज पर जाता हूँ क्या, थोड़ा दूर तो है ये छोटे से काम के लिए लेकिन जाके आते हैं गाइज फटाफट, क्या यही काम भी हो जाएगा और तो बस जाते हैं गाइज फटाफट और स्टिकर लगा के आते हैं। हम बाइक की पार्किंग पे आप देख सकते हो और गाइज यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ था अपना वो मिट गया था तो इस बार वापस लिखवा देते हैं गाइज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ गया, हाँ गाइज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है
और यहाँ पे लिखवाना है इसको, फटाफट जाते गए, छोटे से काम के लिए जाना पड़ा, लेकिन क्या करेगा, इस नाम लिखवाना ज़रूरी है। तो जाते गए तो मोटर ब्लॉक कर नहीं रहा हूँ, नॉर्मल मैं हेलमेट ही लेके जा रहा हूँ, मैं और क्रिश क्रिश को बुलाया गया, वो भी आ रहा है, तो बस जाते गए और फटाफट ये काम करवा के आते हैं। नहीं तो फाइनली जो अपना काम है करवा दिया गया, आज तो गैस बहुत भीड़ है वेलिंगटन, मतलब इतना सा काम के लिए गया मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा, कोई नहीं गया, यहाँ पे लग गया अपना स्टिकर और यहाँ पे तो गैस पहले से है ही है, तो बस चलते हैं अभी फटाफट घर। 2000 years later गैस, तो मैं वो बाइक का काम करा के घर आ गया था और फिर बैठा था गैस, और कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर गया था, तो बस अभी थोड़ी देर पहले आया गया, सही बज रहे आपके 10, डिनर गैस सब डन है, और आती है गैस मैं भैया को देखा तो गैस भैया मस्त, क्या कर रहे हो भैया, सामान चेक कर रहे हैं, सामान चेक कर रहे हो, पैक भी कर रहे हो, ओहो ट्रिप की डेट बता दे, बताएंगे अभी एक थोड़े कुछ एक दो मतलब दो तीन व्लॉग, हां दो तीन व्लॉग, हां बस स्टोरी से पता चल जाएगा, इसलिए गाइस इंस्टा पे फॉलो कीजिए, मेरे बैक की आईडी आ रही है, ये व्लॉग आया तब तक निकल गए होंगे पता नहीं गाइस, अभी बोलते हैं ना बाय रोड जाना तो पूरा डेट फिक्स नहीं है, इसलिए अभी बताने चक्कर में सोचा कि आज सामान चेक कर लेते क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह बाकी तो नहीं लाने का, तो बस चेक करेगा ये मेरा और भैया का जैकेट गाइस, और ये KTM का लगेज, और भी गाइस बहुत कुछ है, ड्रोन है, शूज है, पंप है, और ये भी लेना है ये बैग के लिए, हाँ वही मस्त गाइस, रेस्ट करना होगा, तो बस गाइस फटाफट चेक करते क्या किया, फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो बस गए जो जितना भी सामान था गए सभी बाहर निकल के उन्होंने चेक कर लिया था इसके यहाँ कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो बस गए सब सामान है मिसिंग तो कुछ नहीं है, वो कल गए एक दो माउंट मिल नहीं रहे, वो भी कल सुबह खोज लेंगे गए, तो बस अभी सोया था क्या है रात के बज रहे गए अभी 11:30, और यहाँ पे कुछ गए थोड़ा भैया का सामान भैया ने साइड कर दिया पहले से, बोला कि सुबह ही पैकिंग कर लेंगे, कल दिन में कल संडे है गए पूरे दिन यही काम करना है, तो बस गए ऐसे कुछ आज का ब्लॉग आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना चाहूँगा सब्सक्राइब करना जल्दी, मेरे नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।